किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्रोडक्ट है इफको कंपनी का तरल कंसोर्टिया, जिसे आप लिक्विड एनपीके या बायो एनपीके के नाम से भी कह सकते हैं। यह दलहनी फसलों सहित सभी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। एवं किसान भाइयों, अगर इसकी प्रयोग की बात करें तो इसे आप प्रयोग करने के लिए, अगर इसे ड्रेंचिंग की बात करें तो करीब 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में इसे तरल कंसोर्टिया को 1 लीटर मिलाकर करीब 50 ml प्रति पौधा देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, जो आपकी उर्वरक है, जो फालतू पड़े हैं, उसे यह खींच कर पौधों को उपलब्ध करवाएगा। एवं किसान भाइयों, इसे 500 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक 2 या 3 लीटर पानी में घोल बनाएं एवं इस घोल को 50 से 60 ग्राम बीज के ढेर पर डालकर हाथों से मिलाएं, जिससे बीजों पर जैव उर्वरक समान रूप से मिल जाएंगे और उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर जल्द से जल्द इसका छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एवं बीज का जमाव बहुत अच्छा होगा और फल भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। एवं किसान भाइयों, अगर इसके जड़ के उपचार की बात करें तो यह विधि रोपाई वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। 500 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक का 4 से 5 लीटर पानी में घोल बनाएं एवं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त पौधों की जड़ों को करीब 20 से 30 मिनट तक डुबोए रखें तथा उपचारित पौधों को जितनी भी जल्द हो इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। एवं अगर मृदा उपचार की बात करें किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ 1000 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक को 50 से 100 किलोग्राम मिट्टी, बालू या कंपोस्ट में अच्छी तरह मिलाएं एवं मिश्रण को बुआई के समय या 24 घंटा पूर्व 1 एकड़ के क्षेत्रफल में समान रूप से बिखेर दें एवं जुताई करवा दें। किसान भाइयों, यह बहुत ही सस्ता है इफको की होने की वजह से। हम करीब आपको इफको की दुकानों पर आसानी से 100 रुपये या 110 रुपये के प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा एवं इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ही खरीदें। धन्यवाद।